जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आज फिर से आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने कॉपी पेंसिल निकाल लिया होगा और ज्योतिष की बारीकियां खुद सीखने के लिए आज सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुंडली के माध्यम से इसको पहले घर से शुरू करेंगे। ऐसी ही कुंडली जैसी आप देख रहे हैं वैसी कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, वैसे ही उसमें नंबर ड्रॉ कर लीजिए। पहले घर से मैं इसको बताना शुरू करूंगा और कृपया करके वो नोट करते चले जाइएगा ताकि कल को आपको वो समझने में दिक्कत ना हो। एक नया रजिस्टर लगा लीजिए। तो पहले घर से मैं आपको बताना शुरू करता हूं। जैसे हर चीज़ किसी को रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास कोई सेल्समैन चल के आता है, वो एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम उस कंपनी को नहीं जानते लेकिन उस सेल्समैन को जानते हैं या उस सेल्समैन के थ्रू उस कंपनी को जानते हैं। जितना वो कंपनी के बारे में अच्छा या बुरा बताता है उसी तरीके से हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं। कुंडली में हर ग्रह, हर घर, हर चीज़ एक चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होती है, एक सिग्निफिकेशन होती है। कुंडली के हर घर से हम कुछ देखते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ें पर्टिकुलर घरों से देखी जाती हैं। तो आप नोटिस करना शुरू कीजिएगा, लिख लीजिएगा इसके ध्यान से। ये कुंडली का जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का पहला घर है। पहला घर, ये घर आप सेल्फ हो, आप खुद हो, इसको लगन भी कहा जाता है। ये घर आपका बिहेवियर डिसाइड करता है, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है, आपकी आउटलुक, ये सारी चीज़ें ये घर से डिसाइड होती हैं। यहाँ से आपका जन्म हुआ है, आप ये समझ लीजिए। समझने का एक आसान तरीका रख लीजिए, ये आप हो, ये स्वयं आप हो, यहां से आपका जन्म हुआ है। अब जन्म कहां हुआ है, किस घर में हुआ है, किस कुल में हुआ है, किस वंश में हुआ है, ये दूसरा घर होता है हमारा, धन, कुटुंब और वाणी। ये दूसरा घर दर्शकों, धन मतलब फाइनेंस, कुटुंब मतलब परिवार, वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, जिसको हम स्पीच बोलते हैं। धन, कुटुंब, वाणी का रिप्रेजेंटेटिव होता है ये दूसरा हाउस। तीसरा हाउस, थर्ड हाउस, जहां तीन नंबर लिखा है, ये तीसरा घर होता है कुंडली का। छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत, छोटी यात्राएं, ये सारी चीजें हम तीसरे घर से देखते हैं। चौथा घर, जहां कुंडली में चार नंबर लिखा है, ये कुंडली का चौथा घर आता है। यहां से माता, गाड़ी, सुख सुविधाएं, हमारी नेटिव लैंड, हमारी जद्दी पुश्ती जमीन जगह जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम इस चौथे भाव से देखते हैं। अब ये उलझन में मत पड़िएगा कि मेरी कुंडली में चौथा तो कहीं और लिखा है। अभी आप सिर्फ उसको सीखने के कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखते चले जाइए, उसको नोट करते चले जाइए। 3 महीने का टाइम दिया है तो 3 महीने में ज़रूर अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, पर अभी जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते भी जाइए और लिखते भी चले जाइए। तो पांचवां घर हमारा होता है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, ये हमारा होता है संतान का घर। संतान का घर इससे गिनते हैं, हम संतान देखनी हो तो 5वां घर देखेंगे कुंडली का। हमारा स्टमक जो होता है, पेट होता है, वो 5वें घर से देखा जाता है। अनसर्टेन गेन, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सारी 5वें घर से देखते हैं। लव अफेयर्स, आजकल इसके हाउस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यंग जनरेशन सारी इसी हाउस के पीछे पड़ी होती है। समझने वाली बात है, लेकिन ये हर माँ बाप को समझना पड़ेगा। 5वां घर इन सारी चीज़ों के लिए होता है। 6ठा घर, जहाँ 6 नंबर लिखा है, वो कुंडली का 6ठा घर होता है। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन एंड हाउस ऑफ कंपटीशन,
ये सारी चीजें हम छठे घर से देखते हैं। लंबी बीमारियां, ये सारी चीजें हम छठे घर से देखते हैं। सात नंबर, जहां कुंडली में सात नंबर लिखा है ये कुंडली का सातवां घर है। सातवां घर जया भाव के लिए होता है। अब इसको याद करने के लिए ऐसा सोच लिया अमिताभ बच्चन की मिसिस जया बहादुरी थी, तो ये जया भाव हो गया। जया भाव मतलब मिसिस का भाव, मतलब जया भाव का मतलब स्पाउस हाउस। अगर मेल की कुंडली है तो ये फीमेल का हाउस आ जाएगा, अगर फीमेल की कुंडली है तो उसके हस्बैंड का हाउस आ जाएगा। इस हाउस से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, इस हाउस से हम डेली वेजेस भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें सातवें घर से देखी जाती है। इसके बाद आता है कुंडली का आठवां घर, जहां कुंडली में आठ नंबर लिखा है ये कुंडली का आठवां घर गिना जाता है। दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाउस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये मृत्यु स्थान भी है, ये हायर सीक्रेट रिसर्च नॉलेज का हाउस भी है, ये ससुराल पक्ष भी है, ये ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कत परेशानियां, ये सारी दिक्कत परेशानियां हम इस हाउस से देखते हैं। तो आठवां घर एक बुरा घर माना जाता है। बात करते हैं नौवें घर की, जहां नौ नंबर लिखा है। इस कुंडली में नौ नंबर जहां लिखा है वो नौवां घर गिना जाता है। नौवें घर से हम पिता को देखते हैं, नौवें घर से हम रिलीजन का मानना देखते हैं, नौवें घर से हम विदेश यात्रा देखते हैं। एक छोटा सा सवाल है आपके अक्सर दिमाग में आएगा, या आपको अक्सर कह देंगे कि अगर ये हम हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माता है, तो ये हमारे पिता हुए। यहां गलती करते हैं लोग। पिता का घर दसवां नहीं होता, पिता का घर नौवां होता है। उसका एक साइंटिफिक कारण है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा इस बात को। कारण, ये अगर हम हैं और ये हमारी संतान है, ये हम हैं, ये हमारी संतान है, तो ये हमारे पिता हुए, तो हम उसकी पंचम, उसकी संतान हुए। एक और बड़ी बात, हर लगन कुंडली में ये दोनों घर अच्छे नहीं गिने जाएंगे। आप इसी लगन कुंडली में देख लीजिए, इसका मालिक चंद्रमा हुआ, इसका मालिक शनि हुआ, अति शत्रु। हम पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते का वैरी होना। अब माता पिता इट कुत्ते के वैरी कैसे हो सकते हैं? जिनके आप वंशज हो, जिनकी आप संतान हो, वो क्या अति शत्रु होंगे? और एक उजाला एक अंधेरा, एक आए तो दूसरा चला जाए, दूसरा आए तो पहला चला जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? सोचने वाली बात है, जरा ध्यान देने वाली बात। लेकिन पोंगा पंडित सारे इसको पिता का घर ही मानते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा ये पिता का घर है। पिता से पंचम हम हैं, हम से पंचम हमारी संतान है। ये त्रिकोण हो गया कुंडली। त्रिकोण वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत इसकी ढूंढी पीटी जाती है, त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण। लेकिन ये पिता का घर है, धर्म के मानने का। दसवां घर, दसवें घर से हम कर्म देखते हैं। कर्म मतलब प्रोफेशन। आपके पास आदमी आग चल के आता है, जी मैं क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करूं? दसवें घर से हम प्रोफेशन देखते हैं। प्रोफेशन का हिसाब आपके कर्म से जुड़ा होता है, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। आप कैसे कर्म करोगे, कैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, ये सारी चीज हम दसवें घर से देखते हैं। ग्यारहवां घर, जहां ग्यारह नंबर लिखा है वो कुंडली का ग्यारहवां घर है। ग्यारहवें घर से हम बड़े भाई को देखा जाता है। ग्यारहवें घर से हम लाभ देखते हैं। ग्यारहवें घर से हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देखते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति का घर भी कहा जाता है इसको। लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर। लेकिन ये छठे से छठा भी और छोटे रोग भी आ जाते हैं इसमें, स्मॉल डिजीजेस। आपने कई बंदों को देखा हो, खंग खत्म हुई है जी, जुकाम शुरू हो गया, जुकाम खत्म हुई है, सिर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द खत्म हो गया, मुंडा दर्द कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कारण, ये छोटा रोग भी है। अगर लाभ लेके आता है तो छोटा रोग भी देता है। बारहवां घर, बारहवां घर विदेश सेटलमेंट का होता है। बारहवां घर प्रिजनमेंट का भी होता है, जेल यात्रा। बारहवां घर हमारे अस्पताल के खर्चे का भी होता है। तो बड़े ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने लिखना हो, याद करने के पर्पस से लिखना हो, एक एक वर्ड में जल्दी याद हो जाएगा, लिख लीजिए, बोल देता हूं आपको।
तन भाव, हिंदी में तन वर्ड को बॉडी कहा जाता है, तन भाव। दूसरा धन भाव, जैसे धन कुटुंब वाणी कहा था उसमें धन भाव। तीसरा भ्राता भाव, भ्राता हिंदी में ब्रदर को कहा जाता है, छोटे भाई को भ्राता, अनुज भी कहा जाता है, भ्राता भी कहा जाता है, तो भ्राता भाव। चौथा माता भाव, पांचवा संतान भाव, छठा रोग भाव, सातवां दाम्पत्य सुख भाव या जया भाव, आठवां मृत्यु भाव, कई शास्त्रों में से आयु भाव भी लिखा जाता है, नौवां भाग्य भाव, आप किस्मत के कितने धनी हो ये इस नौवें हाउस से देखा जाएगा, दसवां कर्म भाव, कर्म कैसा करोगे आप वो दसवें घर से देखेंगे, ग्यारहवां लाभ भाव, हाउस ऑफ गेन्स, बारहवां खर्च भाव, या उसको हिंदी में आप प्रॉपर हिंदी में लिख सकते हो व्यय भाव। तो इन बारहों भावों को आपको एज इट इज ही याद करना है, ये हर कुंडली में ऐसे ही रहेंगे, 12 के 12 भाव आपके टिप्स पे होने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को कभी कोटा लगा के पढ़ना मत, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लेक्चर जो नोट कर लिया 10 मिनट दोपहर को दे लेना, 10 मिनट रात को सोने से पहले दे लेना, इसी से आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल पड़ेगी। तो इसको इसी तरीके से याद करना है, अगले लेक्चर को आने से पहले आपको अपने दिमाग में ये चीजें बिठा लें, तो जल्दी से दिमाग में ऐसे ही फ्लो बनाते जाइएगा, इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इसकी हर बारीकी से छोटी बात, छोटी से छोटी थ्योरी, हर चीज का प्रॉपर एक एनालाइजेशन बताऊं जो हमारे शास्त्रों ने लिखा है। हमारे शास्त्रों ने चीज बहुत ज्ञान से, बहुत सूझवान, बहुत ही जिंदगी के तजुर्बों से लिखी गई है, लेकिन यह अलग बात है कि इसको पढ़ना हर बंदा जरूरी नहीं समझता, पढ़ के उसको सही दिशा में फॉलो करना जरूरी नहीं समझता। पंजाबी में एक कहावत कहते हैं ना, आए हो तो की लेके आए हो, चल ले हो तो की दे के चल ले हो, बस पंडितों के पास जाने का यही एक नुकसान होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप जो नोट करो उसको अवश्य पढ़ो, अगर इन पंडितों के चक्करों से निकलना है तो इसका नियम बनाओ। ये सारी चीजें आप अपने टिप्स पे कर लो, बल्कि हर घर के हर मेंबर में ये चीज होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनि।